जिले में 71वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। सबसे पहले नगर परिषद में मुख्य पार्षद के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया, जिसमें उप मुख्य पार्षद, कार्यपालक पदाधिकारी भवेश कुमार, पूर्व मुख्य पार्षद जगदीश प्रसाद यादव, पूर्व उप मुख्य पार्षद पप्पू ठाकुर, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष नागेंद्र नारायण ठाकुर, मेला सचिव युगल किशोर अग्रवाल, अमरेंद्र प्रसाद यादव, इको स्मार्ट मैनेजर देवाशीष मिश्र के अलावा सभी वार्ड पार्षद एवं कर्मी मौजूद थे। गांधी मैदान में प्रभारी अल्पसंख्यक मंत्री बिहार सरकार रमेश ऋषिदेव ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर डीएम महेंद्र कुमार, एसपी मनोज कुमार, उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद, डीडीसी मुकेश कुमार सिन्हा, एसडीओ कयूम अंसारी सहित अन्य मौजूद थे। रमेश ऋषिदेव ने परेड का निरीक्षण किया, जिसके बाद पुलिसकर्मी ने परेड कर सलामी दी। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं ने परेड में शामिल हुआ। वहीं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की झांकी भी निकाली गई। मंत्री द्वारा झंडोत्तोलन के बाद स्वतंत्रता सेनानियों को पाग और दुपट्टा से सम्मानित किया गया। इस मौके पर गांधी मैदान में बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे। झंडोत्तोलन के बाद मंत्री रमेश ऋषिदेव ने अपने संबोधन में सरकार के द्वारा किए जा रहे तमाम विकासात्मक कार्यों के बारे में विस्तृत से जानकारी दी। उधर राधेश्याम पब्लिक स्कूल में छात्रों द्वारा देशभक्ति गीत पर नृत्य कला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी बच्चों के अभिभावकों के अलावा राजद विधायक यदुवंश प्रसाद यादव, स्कूल संस्थापक प्रोफेसर राधेश्याम यादव मौजूद थे। उत्पाद विभाग में भी अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। झंडोत्तोलन के पूर्व गार्डो ने सलामी भी दी। स्वच्छ जल अगर हम पिएंगे तो हमारा स्वास्थ्य दुरुस्त रहेगा, सही रहेगा। समेकित बाल विकास योजना प्रखंड सुपौल, जिला सुपौल, और बाल विकास योजना के अंतर्गत छोटे छोटे पोलियो का ड्रॉप्स पिलाती हुई, कभी अलग तरह के टीके लगाती हुई, और ये गोद भराई और अनुभाग बिहार सरकार के बिहार शिक्षा परियोजना समग्र शिक्षा अभियान सुपौल के तहत बेटियां अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती हैं, उसका एक मिसाल यहाँ कमांडिंग रोहन कुमार रियम्स हाई स्कूल सुपौल, और ये बेटियां प्लाटून कमर जवाहर नवोदय विद्यालय सुपौल। वक्त आने पर हम भी हिंदुस्तान के किसी भी इंसान से कम नहीं, देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान देने के लिए कुर्बान ये महिला बटालियन, ये बच्चियां देश की एकता और अखंडता। पहले ये सलामी देते हुए प्लाटून नंबर 2 धीरे धीरे मंच के करीब धीरे धीरे प्लाटून नंबर 3 प्लाटून कमांडर श्री राधा मोहन सिंह, जिला महिला सशस्त्र पुलिस बल, ये बेटे स्कॉट डिफेंस ग्रुप के साथ जोरदार तालियां आपकी बननी चाहिए इसके लिए। प्लाटून नंबर 15 की कमांडिंग प्लाटून कमांडर युवराज कुमार, जिला मुख्यालय स्कॉट एवं गायक एवं छात्राएं इनके साथ मौजूद है, और गाड़ी और पुलिस अधीक्षक महोदय निरीक्षण के लिए धीरे धीरे उत्तर की जानी भी अभी तक जारी है, और धीरे धीरे फिर वो पूरब की दिशा में मुड़ेगी। माननीय मंत्री 20 सूत्री प्रभारी ब्रेड समादेशक श्री गौरी शंकर यादव,
द्वितीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निरक्षरता पेंशन योजना अंतर्गत 998 तथा लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत 8,150 बिहार निरक्षरता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत 13,350 सभी अंकुशी योजना अंतर्गत 1,969 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अंतर्गत 13,291 कल्याण योजना अंतर्गत 135 एवं मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना अंतर्गत 26 लाभुकों को सीधे उनके खाते में RTGS के माध्यम से राशि का हस्तांतरित कर लाभान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत BPL परिवार को विवाह निबंधन के पश्चात 5,000 रुपया का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत 2,000 रुपये का बॉन्ड यूको बैंक द्वारा बच्ची के नाम से निर्गत किया जाता है। स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 306 वर्ष के 40 बच्चों को पूरक पोषाहार के साथ साथ 400 रुपये पोषाक हेतु आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से वितरण किया जाता है। प्रत्येक माह के निर्धारित तिथि को गर्भवती खादी तथा 6 माह के 3 वर्ष के 40 वर्ष Thank you so much for all of us and Nilay sir for giving me such
amazing, mind-blowing and eye-catching experience to us. Thank you. Please give a big loud of applause to them, hostlers. I would like to invite Sir, please. I'm talking about the Republic of Bihar. There was a republic which was not mentioned, which was not dreamt at all. In the 16th thing, it was introduced to everybody. What is a republic? The thing is that before 2600 years before, there was a republic in Bihar, which was named Lichabi. And its capital was our the Republic. The term and the concept, very proud that we are the ancestors of the Republic. Thank you, sir, for giving an encouragement. Happy to have you like a principal, sir, here. Sanama, please come to the stage. On behalf of my school, I feel very proud to be in India. It is our duty that we should celebrate such Republic Day celebration and for blowing the day. I would like to thank you, Chairman sir, our principal sir, and my dear teacher and dear parents for such a the student volunteers, and this ceremony could not have to be successful without them. I would like to thank you very much to all. जो ये दीवारों में दरार है, जो ये दीवारों में दरार है साहेब, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, ये सब साजिशों का महाजाल है। फिर भी हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। माननीय मुख्य अतिथिगण, आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे दो शब्द यहां बोलने का मौका दिया गया। सबसे पहले तो मैं ये आशीष कुमार, आयशा, संजना, अमन, खुशबू, ये सब जो यहां पर आकर के बोले, ये देख के और सुन के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि इतनी कला इनमें आ गया है, डेवलप हो गया है कि ये लोग आकर के इतना फर्राटेदार आवाज में बोल लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं इन स्कूल के जो भी संस्थापक हरी सर हैं और जो भी टीचर लोग हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आज के डेट में गांधी जी, नेहरू साहब, आज 17 हमारे गांव के जो महापुरुष थे, माननीय सरजूदास आजाद साहब थे या माननीय दीनानाथ पाठक थे, तब देखिए हमारे गाँव की क्या स्थिति थी। और आज वर्तमान पत्र में हमारे गांव किस ओर जा रहा है, कहां पहुंच रहा है, इन चीजों पे सोचना होगा, हमें अमल करनी होगी, ताकि एक कहावत है, हम सुधरेंगे तब देश सुधरेगा, हम सुधरेगा तब देश सुधरेगा। इसलिए इन चीजों पे हम लोगों को अमल करके हमें शुरुआत अपनों से करना होगा, हम अपने गांव से करना होगा। अगर आज करियो मेरा सुधर जाएगा, हमारे करियो अगर अच्छे नक्शे कदम पे चलेगा, तो आस पास के गांव हमें देख के वर्तमान धीरे धीरे खुद कोशिश करेंगे और अनुसरण होगा, सुधर के आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, इन्हीं शब्दों के साथ गणतंत्र की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए तमाम उपस्थित यहाँ बच्चे एवं गर्जनों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।